हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी बीपीएससी। मेरा नाम है मीधा झा और आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अन अकेडमी बीपीएससी पे। तो आज की क्लास में आप लोग का एमसीक्यू होगा, मिनिमम आपके स्टैटिक जीके का एमसीक्यू का जितना हो पाएगा आपके आधे घंटे में। मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा पाऊँ आप लोग को कम टाइम में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यू का दौर और देखते हैं आज का हमारा एमसीक्यू। तो आज के हमारे पहले क्वेश्चन से चलते हैं और आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा सिंबल जो है जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके बर्थ, आपके गौतम बुद्ध का, इस चीज का आपको बताना है। कोशिश कीजिए जवाब देने का कि क्या होता है। मैं आप लोग का कमेंट लगा लेती हूँ ताकि मैं आप लोग का कमेंट देख पाऊँ। तो चलिए लग चुका कमेंट। और आपकी जो है इसका आंसर आपके क्या होता, तो लोटस होता। मुद्दा ये होता है कैसे आपके, तो लोटस इस तरीके से होता। देखिए लोटस और बुल जो था, गौतम बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था, जो कि अगर कहा जाए तो आपके काफी महान व्यक्ति थे, मैंने इतिहास में आप लोगों को पढ़ाया भी था। तो लोटस और बुल किस चीज के बारे में आपके बताता है, तो बर्थ के बारे में आपके गौतम बुद्ध को आपके। बहुत ही बढ़िया, गुड इवनिंग क्लेम डाउ जी। अच्छा ऐसा मैंने क्या किया है, चलिए थैंक यू। इनमें से आपको बताना है कौन सा प्रतीक है गौतम बुद्ध का निर्वाणा को दर्शाता है, इस चीज का आपको बताना है। कोशिश कीजिए बताने का कि क्या होता आपके इसका आंसर। जो सिंबल था जो कि रिप्रेजेंट करता आपके निर्वाणा, आपके गौतम बुद्ध का, इस चीज का आपको बताना है कि क्या होता आपके इसका आंसर। क्या वो ए होता, बी होता, सी होता या फिर डी होता। कोशिश कीजिए सभी बच्चे जवाब देने का। गुड इवनिंग सुरैया जी, वेलकम टू द क्लास। तो बोधि ट्री होता आपके। बोधि ट्री कैसे होता, तो बोधि ट्री जो था आपके सिंबल था, किसका सिंबल था, तो आपके गौतम बुद्ध का था आपके। दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो स्तूपा आपके रिप्रेजेंट कर रहा था सिंबल आपकी मृत्यु जब गौतम बुद्ध की हुई थी उस चीज के लिए आपका। और हॉर्स आपके किस चीज का, घोड़ा आपके बौद्ध की जीवन का त्याग का प्रतीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि काफी यंग एज में जो है गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था, उस चीज के आपके प्रतीक है। बहुत ही बढ़िया, जो भी बच्चे डी के तरफ जा रहे थे उनका आपके सही है जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन आपके। इनमें से बताना है कौन सा रीजन था जब चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल आपके हुई थी, इस चीज का आपको बताना है। बताएं कि क्या होता आपके इसका आंसर। क्या वो आपके ए होता, बी होता, सी होता या फिर डी होता। कौन से रीजन के टाइम में चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल आपके हुई थी, इस चीज का आपको बताना है। आपके इसका जो आंसर होता कनिष्क होता। अब ये मुद्दा उठता है कि कनिष्क कैसे होता, तो आपके जो है बुद्धा के बहुत सारे काउंसिल हुए थे जिनमें आपका चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल जो है आपके कहाँ पे हुआ था, तो कुंडलकम में हुआ था, आपके कश्मीर में हुआ था। डेट की बात की जाए तो 72 AD में हुई थी। कब हुई थी आपके, तो 72 AD में आपके हुई थी ये। और आपका ये जो हुआ था इसके प्रेसिडेंट सिप जो आपके चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष जो थे कौन थे, तो वाष्णुमित्र थे। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड क्लेम डाउन जी। मैं नहीं हूं। वैदिक युद्ध में निम्नलिखित में से किस यज्ञ में सुरा का उपयोग किया जाता है, इस चीज का आपको बताना है। क्या वो आपके एग्निस्तोमा होगा, आपके राष्ट्रिया होगा, आपकी स्वतमानी होगा आपकी, या फिर वजपे होगा। आपको बताना है कि क्या होगा, किसने सेक्रीफाइस दिया था आपकी, किस यज्ञ में सुरा का उपयोग किया जाता है, इस चीज का आपको बताना है। बताएं कि क्या होता आपके इसका आंसर। बताएं कि क्या होता आपके, आपके इसका जो होता सी होता आपके, ये रेफर करता आपके सेक्रीफाइस से, त्याग से, परफॉर्मेंस से, ताकि प्लीज कर पाए आपके ऊपर वाले इंद्र को और रिप्रेजेंट कर पाए आपके बहुत सारे रिचुअल्स आपके। इसका जो होता आपके सी होता आपके। वेरी गुड आयशा जी, वेरी गुड। आपके इसका जो आंसर होता आपके सी होता। जो भी बच्चे सी के तरफ जा रहे थे उनका आपके सही है जवाब। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा उस चीज की तरफ आपके। अशोका इंस्क्रिप्शन में जो पॉलिसी है आपके धमा के बारे में आपको बताना है कि क्या होगा आपके। क्या वो आपका ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। अशोका के इंस्क्रिप्शन में जो आपके जो बताया गया है पॉलिसी आपके धमा के बारे में बताना है कि क्या होगा। बताएं कि क्या होता आपके।
देखिए, यूं तो कहा जाए तो हर रॉकेट का कुछ ना कुछ मतलब था। आपके इसका जो आंसर होता, धमा के बारे में बोला गया था, जो चर्चा आपके किस में किया गया आपका। अब इसमें क्या है, तो भेड़ों के प्रति सम्मान और जानवर को मारने में परहेज, और दोस्तों के प्रति अगर कहा जाए तो उदारता पे जोर के लिए आपके था। आपके इसका जो आंसर होता बी होता, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं ये चीज बोलूंगी, बिहार मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट है 10 दिसंबर को है, यानी कि कल, और टेस्ट टाइम की बात की जाए तो 4 बजे से। कोई सा भी आप कोर्स लोगे आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही साथ मैं अनअकैडमी ऐप पे भी पढ़ाती हूँ यूट्यूब के अलावा। मैंने सही बता रही है, नेम नहीं लेती मैम। क्लेम डाउन जी, झा कमलेश जी, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास, बहुत ही बढ़िया। आयशा जी और आपके कौन कौन है, सुरैया जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो कौन सा ओल्डेस्ट स्मृति है, सबसे पुरानी स्मृति, आपको बताना है कि क्या होगा। कोशिश कीजिए जवाब देने का, क्या वो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। आपके इनमें से सबसे पुरानी स्मृति आपको बोला जा रहा है कौन सा है, इस चीज का। आपको सबसे पुरानी स्मृति जो है आपके मनुस्मृति है, जो कि सबसे पुरानी है। यूं तो कहा जाए तो कितनी पुरानी है, तो आपका प्री गुप्ता काल जो था उस टाइम से। आपके इसका जो आंसर होता आपके ए होता, आपके बहुत ही बढ़िया। अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आपके स्मृति जी है ना, मुझे पता नहीं, चलिए ठीक है, उन्होंने मान तो लिया है कि वो लड़की है, स्मृति जी ही होंगी। चलिए थैंक यू स्मृति जी, अगर आप हो तो क्लास में रेगुलर आप आती हो यूट्यूब पे आप भी। इनमें से ऋग्वेदिक डिटीज जो कि रिप्रेजेंट करता आपके स्ट्रॉम, आपको बताना है कि क्या होगा आपकी, क्या वो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। ऋग्वेदिक डिटीज में जो कि रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रॉम, इस चीज का आपको बताना है कि क्या वो होगा आपकी, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा आपके। तो आपके इसका जो आंसर होता मारुत होता, आपके वैदिक आपके एज के टाइम में जो आपके फोर्स था नेचर का, वो वर्शिप किया जाता था। अमूमन जो आपके जो नेचर को हम लोग वर्शिप करते थे, यूं तो कहा जाए तो आज भी होती है, जैसे कि आपकी हवा, आंधी और बारिश, आपके सूर्य, आग, इन सब चीजों की आपके क्या होती थी, तो रिस्पेक्ट के साथ साथ पूजा भी किया जाता था आपके। खुश रहिए नंदन जी, वेलकम टू द क्लास, काफी गुलाब हमने भेजा है, चलिए वेलकम। इनमें से आपको बताना है कि क्या होता आपके आपके बुद्धा बुद्ध चरित में जो इपिक बायोग्राफी आपके गौतम बुद्ध का आपके संस्कृत में, ये आपको बताना है कि क्या होता आपके इसका आंसर, क्या वो ए होता आपके, बी होता, सी होता या फिर डी होता। आपको बताना है कि क्या होता आपके बुद्धा चरित्र, जो कि आपकी बायोग्राफी है, आपके महाकाव्य है, जीवनी है, किनके द्वारा लिखी गई थी, इस चीज का आपको बताना है। आपके इसका जो आंसर होता आपके ए होता, आप कैसे। तो बुद्ध चरित्र जो था आपके बायोग्राफी था, आपकी जीवनी के बारे में था, किसके जीवनी के बारे में, तो बुद्धा की जीवनी के बारे में आपकी। ये प्रोबेबली अगर कहा जाए तो आपके पहले सेंचुरी से ही का था, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड आयशा जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया स्मृति जी, वेरी गुड। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन, कौन से जगह पे जो पेंटेड रॉड सेटल थे ये बिलोंग करते थे आपके पैलोलिथिक और मेसोलिथिक एज से, इस चीज का आपको बताना है। क्या वो उतनूर होगा आपकी, उयूर होगा आपके, बिम्बेटिका होगा या फिर बैरत होगा। आपको बताना है कि क्या होगा आपके, कोशिश कीजिए जवाब देने का। कौन से जगह है जहाँ पे आपके क्या है, तो पेंट किए हुए रॉक है, पत्थर है, सेटल्स है, जो कि आपके कब बिलोंग करते हैं, तो पैलोलिथिक और मेसोलिथिक एज के टाइम में, इस चीज का आपको बताना है। सभी बच्चे बताएं कि क्या होता आपके, तो आपके बिम्बेटिका होता आपके इसका आंसर। आप बिम्बेटिका कैसे होता, तो बिम्बेटिका एक पत्थर का आपके सेल्टर था, यूं कह सकते ग्रह, आपके जो गृह था आपकी, जो कि आर्कोलॉजिकल साइट था, कहाँ पे आपके, तो सेंट्रल इंडिया में आपके, जो कि प्री हिस्टोरिक पैलोलिथिक और मेसोलिथिक आपके रिलेटेड है। आपके इसका जो आंसर होता बिम्बेटिका होता, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा इस चीज की तरफ। मैं बचपन से काली थी तो बस क्रीम पाउडर ज्यादा यूज कर लिया, इसलिए गोरी हो गई।
इनमें से कौन से स्क्रिप्ट में मॉडर्न इंडिया ने डिसेंट किया था आपके शारदा स्क्रिप्ट को, इस चीज का आपको बताना है। शारदा लिपि से क्या वो गुरमुखी होगा, डोंगरी होगा या सिंधी होगा, आपको बताना है कि क्या होगा आपके इसका आंसर। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और बताना है कि क्या होता आपके, बताएं कि क्या होता आपके, क्या वो ए होता, बी होता, सी होता, डी होता, बताया कि क्या होता आपके। मॉडर्न इंडिया में डिसेंडेड जो आपके सरदार स्क्रिप्ट था, आपको बताना है कि क्या होता आपके। तीनों का तीनों होता है, जैसे कि उम्मीद थी सभी बच्चों ने सही किया आपके। अच्छा, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा है, वो यूट्यूब में कुछ लाइट की कमी होगी इस कारण से आपके नहीं आ रही होगी प्रॉपर। आप भी जानते हो कि ये आपकी क्लास स्मार्ट बोर्ड पे नहीं हो रही इस कारण से, बाकी ऐसा नहीं है। मैंने आपको कोई टारगेट नहीं किया, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहूंगी। तो तीनों का तीनों होता आपके। ये स्क्रिप्ट जो था आपकी ब्राह्मिक फैमिली के ऊपर था, जो कि डेवलप कब हुआ था, तो 8वीं सेंचुरी में हुआ था। ये लिखी गई थी आपकी संस्कृत में और दो भाषाओं में लिखी गई थी, एक संस्कृत में एक कश्मीरी में। आपका ये डेवलप हुआ था आपके शारदा में गुरु अंगद के द्वारा आपके, इसका जो होता तीनों का तीनों होता आपके। जीवन शैली के अनुयायी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, इस चीज का आपको बताना है, बताएं कि क्या होता। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब इनमें से बताना है कि क्या होता, क्या वो हिंदू धर्म होता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या अजविका, आपको बताना है। फॉलोअर जो जो आपका लाइफ है, आपके जो जीवन शैली का अनुयायी शब्द है, किससे ये आपके संबंधित है, इस चीज का आपको बताना है। क्या वो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, कोशिश कीजिए जवाब देने का कि क्या होता आपके। तो आपके इसका जो आंसर होता है डी होता, अजविका होता आपके। ये फॉलोअर थे आपके लाइफ के, आपके ऑर्डर के, आपके जो कि स्टार्ट हुआ था आपके बुद्धा के टाइम में, आपके महावीरा के। ये लास्ट कब हुआ था, तो 14वीं सेंचुरी में आपके हुआ था, ठीक है। तो आपके इसका जो आंसर होता आपके डी होता आपके। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। क्लेम डाउन जी, झा, कमलेश जी, आयशा जी, नंदन जी, वेरी गुड। कैपिटल आपके नॉर्दर्न पार्ट का, आपके पांचाल का आपको बताना है कि क्या होगा, कोशिश कीजिए जवाब देने का। और आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में क्लास जाके जरूर शेयर करें। कैपिटल आपके नॉर्दर्न पार्ट आपके पांचाल की राजधानी क्या थी, इस चीज का आपको बताना है। तो कहा जाए तो ये महाभारत में इस चीज का जिक्र है, जिन्होंने सीरियल देखा हो या फिर क्या हो तो वो जानते होंगे कि कहाँ कैसे है। वैसे इतिहास की किताब में भी आपके मिल पता चल ही जाएगा आपके। तो आपके इसका जो आंसर होता बी होता, पांचाल आपके कहाँ पे स्थित है, तो यूपी में स्थित है आपके, उत्तर प्रदेश में आपके गंगा रिवर, जहाँ पे क्या है आपकी, तो गंगा नदी आपके विभाजित होती है पांचाल को आपके दो वर्गों में आपके होती है, जिसमें आपका नॉर्थ का पार्ट जो होता है आपके अच्युत बोलते हैं आपके, और मॉडर्न डे जो कि बरेली है आपका, वेस्ट में आपके उत्तर प्रदेश। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। क्लेम डाउन जी, वेरी गुड। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आपके अगला क्वेश्चन क्या होगा आपके। तो देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आपके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा साइट ग्रामीण के शहरी जीवन के संक्रमण का विवरण देता है, इस चीज का आपको बताना है। बताएं कि क्या होता आपके, क्या वो ए होता आपके, बी होता, सी होता या फिर डी होता, कोशिश कीजिए सभी बच्चे जवाब देने का कि क्या होता आपके। 6वीं सेंचुरी BC में कौन सा साइट था जो कि देता आपका, जो साइट ग्रामीण में शहरी जीवन का संक्रमण का विवरण देता है, इस चीज का आपको बताना है। आपके इसका जो आंसर होता आपके ए होता, बहुत ही बढ़िया, नंदन कुमार जी का सही जवाब। तो गंगा के मैदान में उपजाऊ जो आपकी जलोद मिट्टी पे लोहे के हल का प्रयोग हुआ था आपके, और ये वर्तमान में अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में आपके स्थित है आपके। इसका जो आंसर होता आपके ए होता। जो भी बच्चे आपके ए की तरफ जा रहे थे उनका आपके सही है जवाब। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन।
इसमें तो खैर चलिए कोशिश कीजिए। जो पाठ था आपके, बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए आपकी नीति का कौन सा हिस्सा था, इस चीज का आपको बताना है। क्या वो वैवाहिक गठबंधन था, या शक्तिशाली शासकों से मित्रता, या कमजोर पड़ोसियों आपके पड़ोसियों पर विजय। इनमें से आपको विकल्प चुनना है कि क्या होता, जैसे कि उम्मीद था कि सभी बच्चे सही की तरफ जाएंगे। इसमें आपके तीनों के तीनों होता है, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो या फिर आपकी दोस्ती हो, आपके जो स्ट्रॉन्ग रूलर से स्ट्रॉन्ग शासक है उनके लिए, या फिर जो कमजोर आपके जो पड़ोसी थे उनको कंक्वेस्ट करना, इट मीन्स हराना, आपके तीनों का तीनों होता है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड क्लेम डाउन जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आयशा जी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा आपके। तो देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, कौन सा एडिक्ट है अशोका, जब ग्रीट करते आपके संघ से, जो कि प्रोसेस करते डीप वेद आपके बुद्धा धमा और संघ का, इस चीज का आपको बताना है। कोशिश कीजिए जवाब देने का कि क्या होता आपके इसका आंसर। ए होता, बी होता, सी होता, या फिर डी होता आपके। तो इसमें आपके माइनर रॉक एडिक्ट तीन होता आपके। माइनर रॉक एडिक्ट तीन क्या था, तो अशोका आपके ग्रीट करते आपके संघ से आपके, और ये जो रिकमेंडेशन था आपके 6 बुद्धिस्ट टेक्स्ट का था, जिनमें आपके मॉन्क थे, नून थे, आपके ये सब थे, आपके नन थे, में आपके माइनर रॉक एडिक्ट तीन में आता है। बहुत ही बढ़िया, जो भी बच्चे सी के तरफ जा रहे थे उनका आपके सही है जवाब। अगला क्वेश्चन, माना जाता है कि मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आपके प्रभावित हुए थे, इस चीज का आपको बताना है। क्या वो आपके ए होता, आपके बी होता, सी होता, या फिर डी होता। कोशिश कीजिए जवाब देने का कि क्या होता आपके इसका आंसर। जो इन्फ्लुएंस था आपके कौन सी रीजन में था, इस चीज का आपको बताना है। बताएं कि क्या होता आपके इसका आंसर, पर्शियन होता आपके इसका आंसर। माना जाता है कि मौर्य कला अगर कहा जाए तो ये इंस्पायर्ड था आपके पर्शियन का, आपके पर्शिया के इन्फ्लुएंस से आपके, जिनमें आपके काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज जो है हम लोग देख सकते हैं आपके इंस्क्रिप्शन के बारे में, शिलालेख के बारे में, आपके पर्शियन के राजा थे आपके दौर उनके बारे में। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बच्चों का सही है जवाब, वेरी गुड, इसी तरीके से जवाब दिया कीजिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। कौन सा राजा सुंग वंश का अंतिम शासक था, इस चीज का आपको बताना है। क्या वो अग्निमित्र था आपके, या फिर देवाभूति, या फिर बृहदत्त, या फिर पुष्यमित्र सुंग, ये चीज आपको बताना है कि क्या होता। तो देवाभूति होता आपके, आपके राजा जो देवाभूति थी उसे हम लोग देवभूमि के भी नाम से जानते हैं, जो कि आपके आखिरी शासक थे। कहाँ के, तो सुंग साम्राज्य के। आपके इसका जो आंसर होता है बी होता, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपके इसका आंसर क्या होता, तो देवाभूति होता आपके। देवाभूति की मृत्यु के बाद सुंग वंश का स्थान आपके कान्वा वंश ने ले लिया था आपके, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इनमें से लास्ट रूलर आपके इंडो ग्रीक डायनेस्टी के साम्राज्य के कौन कौन से थे, इस चीज का आपको बताना है, या फिर एक ही थे आपको बताना है। क्या वो आपका ए होता आपके इसका आंसर, बी ए होता, बी होता, सी होता, या फिर डी होता। आखिरी शासक आपके इंडो ग्रीक डायनेस्टी के साम्राज्य के आपको बताना है। और देखिए जो भी बच्चे मेरी क्लास देख रहे हैं, मैं ये चीज बोलूंगी कि क्लास में ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी क्वेश्चन लाती हूँ, आपके एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चंस। आपके इसका जो आंसर होता है सी होता आपके, जो ये आपके आखिरी शासक थे आपके इंडो ग्रीक साम्राज्य के, आपके लास्ट क्वार्टर में आपके 2री सेंचुरी BC के, इन्होंने डिफीट किया था आपके प्रथियांश को। आपके इसका जो आंसर होता सी होता, बहुत ही बढ़िया क्लेम डाउन जी, आयशा जी, अभिषेक जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। किस साका शासक का उल्लेख मथुरा सिंह राजधानी से आपको मिलता है, आपके मथुरा, इस चीज का आपको बताना है। क्या वो आपके ए होता, बी होता, सी होता, या फिर डी होता। कौन से साका रूलर का आपका नाम पूछा जा रहा है आपको, बताएं कि क्या होता आपके। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने का, देखते कितने बच्चों का सही होता है जवाब।
आपके इसका जो आंसर आपके क्या होता आपके, तो आपकी पट्टिका कुशालका होता आपके, इसका आंसर डी होता। बहुत सारे बच्चों का सही है जवाब। अब क्वेश्चन ये होता है कि कैसे, तो देखिए तक्षशिला की कॉपर प्लेट जो आपके कास्ट की जो आपके प्लेट थे आपके, ये आपके इनमें आपके मेंशन किया गया किस चीज के बारे में आपके, तो बौद्ध मठ के बारे में आपके उल्लेख है आपके, इसका जो आंसर होता आपके डी होता। बहुत ही बढ़िया, जो भी बच्चे डी के तरफ जाएंगे उनका आपके सही है जवाब। और साथ ही साथ अगर कहा जाए मथुरा का लायन कैपिटल भी आपके मेंशन किया गया आपके बताया गया है आपके, इसका जो होता आपके डी होता आपके। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। सतवाहना साम्राज्य में जो उपवियोग में विभाजित किया गया था जिन्हें क्या कहा जाता था, इस चीज का आपको बताना है। क्या वो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। सतवाहना साम्राज्य में जो विभाजन था आपके, सब डिवीजन था, उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, इस चीज का आपको बताना है। देखते कितने बच्चों का सही होता जवाब, कोशिश करें सभी बच्चे जवाब देने का आपके। इसका जो आंसर होता आपके अहर्ष होता आपके। सतवाहना के राजा ने रिटेन किया था कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की जो कि आपके इस्तेमाल होते थे आपके अशोका के टाइम से ही। जो साम्राज्य था विभाजन हुआ था आपके, विभाजन कर सकते आपके सब डिवीजन में। अब सब डिवीजन क्या है आपके, विभाजन हुआ उसके बाद उप विभाजन हो गया, विभाजन के ऊपर विभाजन हुआ तो सब डिवीजन हुआ, जिसे हम लोग किस किस नाम से आपके जानते हैं। तहार या राष्ट्र कहा जाता है जिसका अर्थ होता है आपके जिला आपके, इसका जो आंसर होता है ए होता। बहुत ही बढ़िया आयशा जी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो इंडियन टर्म है आपका साकार का जो कि इस्तेमाल किया गया था, आपको बताना है कि क्या होगा आपके। क्या वो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। कौन सा इंडियन टर्म है आपका साका का जो कि इस्तेमाल हुआ था, इस चीज का आपको बताना है। कोशिश करें सभी बच्चे जवाब देने का कि क्या होता आपके। इसका जो आंसर होता बी होता। आप कैसे बी होता, तो भारतीय शब्द में साका का प्रयोग जो है आपका, ये आपके इस्तेमाल हुआ था जो कि ओरिजिनली आपके जो आपका जो मेन बेस है इसका, ओरिजिनली ये बिलोंग कहाँ से करते थे, तो मध्य आपके एशिया से करते थे आपके, पतंजलि जो कि अगर कहा जाए तो महावाष, ये आपके रेफर किया जाता है आपके, इसका जो होता बी होता। बहुत ही बढ़िया क्लेम डाउन जी, नंदन जी, आयशा जी, वेरी गुड। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। किसने अडॉप्ट किया था आपके टाइटल, उपाधि को धारण किया था, इस चीज का आपको बताना है। ये चीज आपको बताना महादंडपति का, इस चीज का। क्या वो मौज हो गए, एज हो गए, रुद्रमान वन होगा या फिर पतिका कुशालका होगा, आपको बताना है कि क्या होगा आपके। जय हिंद डीपी दीवान जी। तो आपके इसका आंसर क्या होता आपके, इसका जो आंसर होता डी होता आपके, पतिका कुशालका होता आपके। मोंगा इंस्क्रिप्शन यू तो कहा जाए तो बहुत सारे शिलालेख थे, बट आपके मोगा इंस्क्रिप्शन में आपके दो नेम है आपका जो कि दोनों आपके रूल किए थे आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके, इसका जो आंसर होता डी होता आपके। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। जो भी बच्चे डी के तरफ जा रहे थे उनका आपके सही है जवाब। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आपका अगला। इनमें से बताना आपको फाउंडर, अगर कहा जाए तो आपके संस्थापक बना आपको बताना है उज्जैन सतपा का, बताएं कि क्या होगा। खुश रहिए नाजिया शामी जी, वेलकम टू द क्लास, कोई बात नहीं नंदन जी। और कौन आए हैं, चलिए ठीक है, सभी का वेलकम है, सभी लोग खुश रहे, होपफुली सबका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो इनमें से आपको बताना है कौन कंसिडर करते किए जाते थे आपके संस्थापक आपकी उज्जैन सतपा का, इस चीज का आपको बताना है। क्या वो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा आपके। संस्थापक आपको पूछा जा रहा है कि क्या होता आपके, इसका आंसर आपके कस्तना होता। बहुत ही बढ़िया, जो भी बच्चे बी की तरफ जा रहे थे उनका आपके सही है जवाब। आप कैसे हैं, तो कस्तना आपके संस्थापक माना जाता था, कहाँ का, तो उज्जैन का आपके। ये मानते हैं कि इन्होंने जीता था आपके बैटल को आपके का किससे, तो सतवाहना से आपके। इनके तीन स्क्रिप्ट के आपके क्या है, तो आपके कॉइंस थे जिनमें कौन कौन से थे आपके, तो एक तो ग्रीक का हो गया आपके, एक तो दूसरा अगर कहा जाए तो कौस्टुई, और तीसरा अगर कहा जाए तो ब्राह्मी। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया नाजिया शामी जी, क्लेम डाउन जी, आयशा जी, डीपी दीवान जी, एच कुमारी जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड।
अब अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा आपके। कौन से पीरियड था जहां पे कॉटन आपके एक्सपोर्ट किए जाते थे अलग अलग देशों में, इस चीज का आपको बताना है। क्या वो मौर्य होगा, सतवाहना होगा, कानवार होगा या फिर सुंग होगा। किस अवधि के दौरान विभिन्न देशों की कपास का निर्यात किया जाता था, इस चीज का आपको बताना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने का कि क्या होता आपके इसका आंसर। वेरी गुड, आपके इसका जो आंसर होता है बी होता। मैं किसी से यहाँ पे नाराज नहीं हूँ, नाराज होने का कोई कारण भी होना चाहिए, नाराज नहीं हूँ मैं। सतवाहना होता आपके, सतवाहना के अधीन कृष्ण जो था आपके प्रमुख था, यूं तो कहा जाए। तो जब हम लोग इतिहास की तरफ जाते हैं तो हम लोग ये चीज देखते हैं कि हमारे पूर्वज से ही जो था आपके, एक टाइम आया था जब कृषि को हम लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। ये आपके जो सतवाहना के टाइम में आपके कृषि जो था काफी ज्यादा आपके किया जाता था, प्रमुख था। ये कल्टिवेट आपके कॉटन करते थे, जो कि आपके मेंशन भी किया गया है अलग अलग जगहों पे। आपके इसका जो होता बी होता आपके। आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आपके अगला क्वेश्चन। आपके इनमें से बताना है रिप्रेजेंटेटिव जो सेंट्रल सदर में आपके जो प्रांत लेवल पे, इस चीज का आपको बताना है। क्या वो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। कोशिश कीजिए बताने की क्या होगा रिप्रेजेंटेटिव आपके सेंट्रल सदर के, आपके प्रांत लेवल पे आपको बताना है कि क्या होता आपके। कोशिश कीजिए सभी बच्चे जवाब देने का, देखते कितने बच्चों का सही होता जवाब। सदर होता, सदर आपके क्या थे, तो ये आपके रिप्रेजेंटेटिव थे। किसके रिप्रेजेंटेटिव थे, तो सदर के आपके थे प्रांत लेवल पे, प्रोविजनल लेवल पे आपके थे, प्रतिनिधि थे आपके, ये रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे आपके वेलफेयर के लिए। आपके इसका जो आंसर होता सदर होता। बहुत ही बढ़िया, नाजिया शामी जी, डीपी दीवान जी, एच कुमारी जी, आयशा जी, एच कुमारी जी, बहुत ही बढ़िया। झा कमलेश जी, वेरी गुड। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन। इनमें से बताना है जो रिकॉर्ड था आपका, लैंड का जो रिकॉर्ड था आपके प्रगाना के बारे में, वो किसमें आप देख सकते हो। क्या आपके इसका आंसर ए होता, बी होता, सी होता या फिर डी होता। आपके जो रिकॉर्ड था आपके लैंड्स के बारे में प्रगाना में आपको बताना है कि क्या होगा आपके। कोशिश कीजिए जवाब देने का, देखते कितने बच्चों का सही होता जवाब। आपके इसका जो आंसर होता आपके सी होता आपके। जो आपके सिकंदर हुआ करते थे, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते थे आपके परगना के ऊपर आपके। और सिकंदर आपके क्या करते थे, तो ये आपके वसूली का काम करते, आमिल की सहायता करते थे। आपके इसका जो आंसर होता सी होता। जो जो बच्चों का सी की तरफ जो भी बच्चे जा रहे हैं उनका आपके सही है जवाब, वेरी गुड। अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन। अकबर के शासन काल में आपके चाचर भूमि वह भूमि थी जो डैश थी, आपको बताना है कि क्या थी। क्या वो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे जवाब देने का कि क्या होता। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो आपके इसका आंसर जो होता सी होता। आप कैसे, जो कृषि आपके जो 3 और 4 साल में आपकी कल्टीवेट की जाती है। आपके अकबर लैंड जो था आपके विभाजित था आपके 4 कैटेगरीज में, जिनमें आपके पोल्स जो था कल्टीवेट होती थी हर साल। प्राति आपका फैलो था, अगर कहा जाए तो 2 सालों में चार आपके चेचर जो था कल्टीवेट होता, तो उपजाया जाता था 3 और 4 साल में। बहुत ही बढ़िया, जो भी बच्चे सी के तरफ जा रहे थे उनका आपके सही है जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन असाइन करते थे जमींदार और राजास को आपके लोकल डोमियन के लिए आपकी जागीरदारी सिस्टम में, इस चीज का आपको बताना है। कोशिश करें सभी बच्चे जवाब देने का, देखते कितने बच्चों का सही होता जवाब। बताएं कि क्या होता आपके। कौन असाइन करते थे जमींदार और राजा को लोकल डोमियन के लिए आपकी जागीरदारी सिस्टम के लिए आपके। आपके वतन जागृत होता, आपके वतन जागृत जो थे आपके जागीरदारी सिस्टम के अंदर आते थे। लैंड के जो कि असाइन किनके द्वारा होता था, तो आपके जमींदार के द्वारा होता था, राजास के द्वारा होता था। आपके इसका जो होता बी होता। आपके वतन जागृत जो होते हेरिडिटरी होता था, इट मीन्स अगर कहा जाए तो पिताजी के पिताजी से आएगा, मतलब एक होता है ना, तो वतन जागृत होता आपके इसका, जागृत होता आपके इसका आंसर बी होता आपके। बहुत ही बढ़िया, वतन जागृत के ऊपर जो लोग जा रहे थे।
अब आगे चलते हैं। बिहार मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट है आपकी 4 बजे से, जिनको जिनको लेना है ले सकते हैं। कोई सा भी आप कोर्स लोगे आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये बताना है कि कौन से रूलर थे आपकी गोलकोंडा का, आपकी औरंगजेब के टाइम में, इस चीज का आपको बताना है। 30 टोटल आज के क्वेश्चन है, तो आप 29 क्वेश्चन पे चल रहे हो। जो रूलर था आपके गोलकोंडा का, आपकी रीजन औरंगाबाद का, औरंगजेब का क्या था, इस चीज का आपको बताना है। बताए कि क्या होगा, गोलकोंडा की बात की जाए तो ये आपके हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। आपको बताना है कि क्या होगा आपके, क्या वो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा आपके। कौन से आपके शासक थे गोलकोंडा के, रीजन जो था आपके औरंगजेब का था, इस चीज का आपको बताना है। आपके अबुल हसन कुतुब शाह होता आपके, अबुल हसन कुतुब शाह जो क्या थे, ये आपके शासक थे, कहाँ के शासक थे, तो गोलकोंडा के था। रीजन क्या था आपकी, तो औरंगजेब का था आपके। बहुत ही बढ़िया, जो भी बच्चे डी के तरफ जा रहे थे उनका आपके सही है जवाब आपके, वेरी गुड। अब आगे की तरफ चलते हैं और आज के आपके आखिरी क्वेश्चन है। आधे घंटे की ही क्लास होती है, रेगुलर आया कीजिए, आप लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। और बाकी कल रविवार है तो कल रविवार को भी यूट्यूब की क्लास होगी, साथ ही साथ ऐप पे आप लोग का एक मैराथन मैं करवा दूंगी, टाइमिंग में थोड़ी देर के बाद मैसेज कर दूंगी। बताएंगे क्या होता आपके, जो इमीडिएट सक्सेसर था आपके शिवाजी का, ये क्या था, इस चीज का आपको बताना है। क्या वो आपके साहू होगा, सामजी होगा, आपके राजा राम टू होता या फिर आपके डी होता, आपको बताना है कि क्या होता आपके, बताएं कि क्या होता। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बी होता आपकी। ये आपके कौन थे आपके, तो ये आपके बेटे थे शिवाजी राजे भोसले के, इन्होंने रूल भी किया था, ये शासक थे मराठा साम्राज्य पे, इन्होंने शासन किया था आपकी कब से कब तक, तो 1681 से लेके 1689 तक। बहुत सारे मराठा चीफ जो थे नहीं सपोर्ट किए थे आपके इनको, इसका जो आंसर होता बी होता। अब इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लेती हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में जो की होगी कल। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखिए आप लोग। थोड़ा रात हो चुका है मुझे पता है, बट वही चीज है, विद्यार्थी है तो कोशिश क्या कीजिए, जो इतनी भी रात अभी नहीं हुई है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए आप लोग, गुड नाइट।